दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके मोबाइल में कलर प्रॉब्लम हो गई है, आपका मोबाइल जो है कुछ ब्लैक एंड व्हाइट या नीला पीला दिखने लगा है और कोई भी ऐप सही नहीं दिख रहे हैं, तो किस तरीके से आप उन कलर को जो है फिक्स कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी ने अगर मेरी वेबसाइट पे अभी तक विजिट नहीं किया तो उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप akgmind.com पे जाकर सर्च कीजिएगा गूगल में akgmind.com, वहां पर विजिट कर सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है मैं आपको सभी को बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप सभी को मैं बता देता हूं कि सेटिंग वाले आइकन पे आप सभी को चले जाना है। सेटिंग वाले आइकन पे जाने के बाद यहां पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आना। नीचे आने के बाद यहां पे आप सभी को एक एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पे आप सभी देखेंगे, देखिए एडिशनल सेटिंग लिखा हुआ है, आप सभी को इस एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे एसेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक करना है। उसके बाद जर्नल, विजन, हियरिंग, इस तरीके से फिजिकल बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे ऊपर, तो यहां पे आप सभी को विजन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे दोस्तों कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कलर करेक्शन ऑन हो जाता है। ये प्रॉब्लम जब होती है जब आपका मोबाइल अपडेट होता है या फिर आप कोई भी सेटिंग से छेड़खानी कर देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहां पे कलर करेक्शन जो बाय डिफॉल्ट ऑन हो गया, आप इसे ऑफ कर दीजिए। जैसे आप ऑफ करेंगे तो यहाँ पे बैक होकर देखिएगा, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि आपका जो मोबाइल है वो सही से वर्क करने लगेगा, पूरा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।